Now see, in this question, PQRS is a quadrilateral and T and QR respectively points on PS and RS such that का मतलब given होता है, याद रखिएगा। इसमें given 3 points आपके givens में दिए हुए हैं and at last you have to prove that upper QT is one. मैंने वही बोला कि आप यू मस्ट हैव टू बी वेरी मच हैबिचुअल टू ड्रॉ द फिगर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप फिगर्स बनाने में कामयाब हो जाते हैं इसका मतलब आपने 40% की जर्नी आपकी जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गई। जर्नी एंड ट्रैवलिंग में भी अंतर होता है, यू नो, डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जर्नी एंड द ट्रैवल। मैं जर्नी कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं आप तो, क्या पढ़ाते हैं आप लोगों के स्कूल्स में ऐसे छोटी छोटी चीजें। मेरे हिसाब से आपके यहाँ तो आप पता नहीं, मैं तो मॉर्निंग में बैठता नहीं हूँ, नहीं तो आपके यहाँ तो रोज सुबह 10-10 पॉइंट लिखते हैं बच्चे डायरी में पूछ पाछ करके। यू नो आपका 10 वर्ड्स लिखने का मतलब जानते हैं है? अब तो 4 हो गए, पहले 10-10 होते थे। वो बच्चे जो सामने वाले वो बिस्ट फैमिली, वो पूछते थे एक दूसरे को, बता बता तू बता कितना लिखा तूने, वहीं पे कॉपी होते थे। उसके बाद फिर वर्ड लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ड्स हो या वर्ड, उसको आप जाती है जिंदगी में व्हेन यू आर गोइंग टू बी ट्रांसलेट आपका नाउ एनी सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश आपका कर रहे हैं, वहां आप कितना फिट कर पा रहे हैं आपका नाउ, व्हाट इज योर कैपेबिलिटी, व्हाट इज योर एबिलिटी आपका नाउ टू पुट दीज ऑल वर्ड्स अप इन बिटवीन ऑफ योर स्टेटमेंट्स, वो सबसे बड़ी बात होती है। अंग्रेजी का मतलब ये थोड़ा ना कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े, खाता मैं देखो अभी मैं इसमें मैंने इसमें अंग्रेजी स्कूलों का हाल और हिंदी स्कूलों का हाल आज किसी ने मुझे भेजा था, और उसके टीचर्स इंग्लिश मीडियम में इतनी बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं लेकिन वहाँ के इंग्लिश मीडियम के टीचर का हाल। कल आपके स्कूल का टीचर मुझे मिला था, कह रहा था दादा 7 पीरियड पढ़ाने पड़ रहे हैं मुझे। अबे मैंने कहा पट्टे ले भी तो 50,000 रहा होगा, यूं करके 50,000 यहाँ होता है 50,000। उसके बाद कह रहा था दादा मैं 5 ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वैसे ट्यूशन का उसने बड़ा रिजनेबल रेट बताया, जबकि इंटरमीडिएट का है आपका नाम आपका जो टीचर 7,000 रुपये ले रहा हूँ दादा। मैंने कहा बात तू रिजनेबल, वहां से आ रहा है तू काठगोदाम से आ रहा है और यहाँ अगर 7,000 में आ रहा है तो जेन्युइन ले रहा है, नहीं तो सिंगल बच्चे को पढ़ाने का 12,000-15,000 रुपये जो है पे करना पड़ता है लोगों को सिंगल बच्चे का। यार क्यों नहीं करेगा पे, आप बताइए, जब आप इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं वहां आप जो है 2,88,000 या 2,00,000 रुपए आप कर रहे हैं तो आप 2,00,000 को यू डिवाइड दैट 2,00,000 आपका फ्रॉम 12 कितने से आप लगा लीजिए आप, तो एक सिंगल बच्चे को पढ़ाने के लिए वहां से आ रहा तेल का खर्चा 94.95 रुपीज आपका 1 लीटर तेल का दाम हो गया। कह रहा दादा 2:30 बजे, कितने बजे आपका छुट्टी होती है आपकी, 1:30 ओके जो भी है 2:30 हो, बेचारा अपने घर वगैरह पहुंचता होगा, कह रहा दादा ये देखो कॉपी, कॉपी चेक करने के लिए भी गाड़ी में रख के लाया था। अब आप लगाओ ये आप लोगों के स्कूल का ढर्रा है, मेरी 15 से 20 मिनट उससे बात हुई, तभी मैंने पूछा क्यों भाई तुम तो मार बना रहे हो बच्चों के स्कूल में, बोला दादा ऐसा तो नहीं हुआ, मुझे हुआ। तो प्राइवेट स्कूल का टीचर देख रहे हैं आप 50,000 रुपया सैलरी लेने के बाद कह रहे थे दादा 5 ट्यूशन पढ़ा रहा हूं 7 बजे 35,000 हो, और हिंदी मीडियम स्कूल का टीचर बिना पढ़ाए हुए स्कूल की पोजीशन बद से बदतर करते हुए जिसमें सरकार का कोई भी अपना सारी नेग्लिजेंसीज है इसमें। अगर आपके मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं वो आपका ड्रॉबैक होगी सर, ये एक्सेप्शन केस है, जिनके मम्मी पापा सरकारी में पढ़ा रहे हैं दिल लगा के पढ़ा रहे हैं, मेरी लैंड लेडी भी पढ़ाती है दिल लगा के। मैंने जिस दिन से इस कोचिंग में यहाँ पे अपना खोली है इस मकान में तब से मैंने उनको कभी एबसेंट नहीं देखा, यहां से 3 घंटे की 2 घंटे की जर्नी करके बापाड़ा वहां पहुंचना, उसके बाद शाम को वहां से आना, 6 बजे वहां से आकर के अपने बेटे को इधर उधर ले जाना, उसके बाद खाना बनाना। ये मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और हिंदी मीडियम यहां जाइए आप इस गली में जाइएगा, बुरा मत मानना आप,
इस गली में मैं ऐसे ऐसे टीचर्स के डबल स्टोरी मकान देखता हूँ जिनको ओ बॉस ओ पढ़ाना नहीं आता है, और आता भी होगा तो हमारे शायद सामने कहीं खड़े नहीं होते होंगे। अभी आप चलिए बाहर, अभी ये गाड़ी आती है बेलोरा, बेलोरा से प्रिंसिपल उतरते हैं दो तीन डिफरेंट जगहों के, कहीं ओखलकांडा ओखलकांडा चौहान वगैरह जाते हैं पीछे, उनके मकान देख लोगे आप। तो फिर होता है हमारी जिंदगी तो नरक है साली, हमने तो कुछ किया ही नहीं आज तक। तो ये डिफरेंस है, सरकारी स्कूल का मास्टर पढ़ाता नहीं है लेकिन उसका दुमंजिला देख लेंगे तो दो गाड़ियां अंदर होंगी फर्स्ट क्लास से, प्राइवेट वाला सारा झोपड़पट्टी में मेरी तरह से। और कोरोना आकर के तो 26 महीने से जो सरकार ने हमारी गत खराब की, धन्य हो उन जिन लोगों ने हमारी गत खराब की, उनकी गत ही निकल जाए इस दुनिया से, कैसे हम सर्वाइव करते होंगे आप लगाइए इतना करने के बाद। बारह एनी हो, मैंने कहा था कि पहले फिगर ड्रॉ करना सीखो, सॉल्यूशन नंबर वन, ये देखिए क्या है पी क्यू आर एस, ये देखिए कैसे बनाना है, क्या हो पी क्यू आर एस, इधर देख लीजिएगा पी क्यू आर एस इज ए क्वालिटी लेटर, जरा देख लीजिएगा ध्यान से, और टी एंड यू आर रिस्पेक्टिवली पॉइंट ऑन, टी एंड यू आर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली ऑन पी एस पे, और आपका नाम देखो दिस इज आर आर एस, नहीं बोलना चाहिए था इसको, गलत है, ठीक है इसी में चल हो गया सर। अब उसके बाद कह रहा पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, ये देखिए ये आपका, देखिए आपका पी क्यू इक्वल टू आर क्यू, देख लीजिएगा यहां ध्यान से, फिगर इंपॉर्टेंट है, एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी, ये देखिए एंगल पी क्यू टी, ये देखिए आपका इक्वल टू एंगल आर क्यू यू, आर क्यू, ये देखिए उसके बाद एंगल टी क्यू एस, ये देखिए एंगल टी क्यू एस, ये देखिए डबल मार्क एंगल टी क्यू एस इज इक्वल टू यू क्यू एस, आपके सामने जो फिगर था बिल्कुल देखो मैंने आपको ये बना करके रख दिया, वहां देख लीजिएगा ध्यान से, आपका देखो गिवन में व्हाट इज गिवन, देखो ना पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटर एंड टी एंड यू आर, देखिए पॉइंट्स ऑन पी एस एंड आर एस, ये दिया हुआ सच दैट, सच दैट का मतलब जो आपने ये लिखा है यही गिवन हुआ, देखिए आपको क्या दिया हुआ पी क्यू, वहां क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है, देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू यू, ये दिया हुआ एंड एंगल टी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल यू क्यू एस, ये दिया हुआ। अब आपका गिवन के बाद टू प्रूफ, वहां पे जो है वो लिख दीजिएगा क्यू टी, क्यू टी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द क्यू, आप यहां पे दो चीजें हैं आपके पास, देखिए दो चीजें क्या है, या तो इस ट्राइंगल को या इस ट्राइंगल को आप कंकरेंट करिए, या इस ट्राइंगल को या इस ट्राइंगल को कंकरेंट करिए, या इस वाले को आपका कंकरेंट करिए, आपके पास कितने रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं, देखिए आपका अब तीन में से कौन सुटेबल है पहले, जिसमें कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ी, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चौखा आ जाए, आपका एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिएगा एंगल आर क्यू यू,
गिवन बुक, ये मैंने कह रहा हूं आपके सामने लिखा। इसके बाद देखो ये फर्स्ट, सेकंड में देखो एंगल टी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल यू क्यू एस, ये मैंने कह रहा हूं सर। यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिए, यहां अब आप करें मुझे जो लग रहा है एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू ऑन बोथ साइड्स, ये जो पोजीशन है आपका देखो ना, ये दिस इज पी क्यू टी, ये वाली पोजीशन थी, इस वाली में देखिए दिस वाज द पोजीशन आर क्यू यू, ये वाली पोजीशन, बल्कि इसके बगल में अगर आप कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो आपको ना ये तो आर क्यू यू, इसके बाद इस वाली पोजीशन में देखिए आपका नाम ये फिर टी, ये सिंगल कट में था देखो आपका नाम, और उसके बाद ये था आपका टी, दिस इज क्यू, ये आपका एस था आपका देखो नाम, और इधर से दिस यू, ये डबल कट था देखो, ये डबल कट, दिस इक्वल टू दिस गिवन में एंड दिस इक्वल टू दिस आपके सामने, दोनों को ऐड कर। अभी एंगल टी क्यू टी प्लस एंगल टी क्यू एस इस इक्वल टू देखो आपका एंगल आर क्यू यू प्लस एंगल क्यू यू एस, देखो दोनों को। अब आप जरा सिचुएशन देख लीजिएगा इसकी, यहां देखिए ये देखिए पी क्यू टी और आपका ये सिंगल कट डबल कट, ये देखो एंगल पी क्यू टी और एंगल टी क्यू एस, यहां सिचुएशन इक्वल उधर दिस इज आर यू, ये सिंगल कट है डबल कट है देखो ये क्यू और ये एस है, देख लीजिए आर क्यू यू और प्लस ये सिचुएशन है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल एंड देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल दोनों मिलकर के देखिए ये प्लस ये मिलकर के आपका देखो एंगल पी क्यू एस, और ये मिलकर के देखिए आपका नाम एंगल आपका नाम देखो दिस आर क्यू एस, फाइनल रिजल्ट आपका लिया। दोनों इक्वेशन से बीच के क्यों मिटाया, वाई हैव अपडेट वाई हैव इरेज, क्योंकि देखो ये वो दोनों मिलकर के अब ये हो गया, और वो दोनों मिलकर के आपका देखो यार बस अब आपकी जो पोजीशन है आपका देखो ना बहुत साउंड पोजीशन पे आप पहुंच गए, नाउ यू हैव रीच द साउंड पोजीशन, अब आपका देखो अब जो पोजीशन है आपका देखो ना ये बीच से अभी मैंने टी और यू हटा दिया है आपका, हैव रिमूव दिस टी एंड यू ऑफ कराउ फ्रॉम दिस पी एस एंड आर एस साइड, अब इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड इन ट्राइंगल ध्यान से देखिएगा आर क्यू एस, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, ये मैंने कह रहा हूं गिवन कट मार्क भी मारा है देखो गिवन। अब फिगर देखिए आप ना, इसके बाद एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस, प्रूव और इक्वेशन नंबर थ्री भी डाल दूंगा ये प्रूव कर दिया, और क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एस कॉमन साइड, इस वाले के लिए भी इस वाले ये कॉमन साइड हो गया।
तो therefore triangle PQS is concurrent to not triangle RQS by side angle side तो ये आपका by side angle side आपका नाम देखो this is the concurrence. अभी आप सॉल्व नहीं हुआ आपका अभी आपका मैटर सॉल्व नहीं हुआ. देखिए अभी कितनी चीजें हैं. देखो यहां से आगे मैं अभी आपको बताता हूं आप क्या करेंगे. देखो बाई सॉरी एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट. इसीलिए आपका एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर ये आपका कॉन्ग्रुएंट कर सकते बाई सी पी सी टी. और दूसरा आपका देखो एंगल एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एस क्यू. अब आपको यहां पे पूछेंगे जब सर आपने ये दो सी पी सी टी क्यों लिए तो मेरा आंसर क्या रहेगा. अब आपका देखो ना देखिए अब मैं देखो यहां पे जो जा रहा हूं देख लीजिएगा क्या सिचुएशन है जरा देख लीजिएगा ध्यान से सर. आई एम टेकिंग दिस एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर. देखिए आपका ना अब आपका देखो ना इन ट्राइंगल पी क्यू टी एंड इन ट्राइंगल आर क्यू यू आर क्यू यू. देखिए अपना इधर सर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर प्रूव्ड एवर और ज्यादा किसी को खुजली है तो सी पी सी टी से. ये देखिए रीजन दोगे किसी के बाप की ताकत नहीं है आपका क्वेश्चन आपका कट कर दो. देखिए पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू गिव और एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू यू. तो देखो तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू टी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल आर क्यू यू बाई एंगल साइड एंगल देख लीजिए इधर सर बाई एंगल साइड एंगल कॉन्करेंसी. ये कहोगे स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ाया तो यही सीख लीजिए जब दो ट्राइंगल आपके कंकरेंट हो जाते हैं तो क्यू टी इज इक्वल टू क्यू यू बाई सी पी सी. एक तो क्यू टी इज इक्वल टू क्यू यू आपका बाई सी पी सी टी इससे हो गया. देखिए ट्राइंगल कौन से लिए है क्या किया है आपके सामने है. और अब दूसरी पोजीशन देखिए आपका नाम पी एस क्यू. ठीक होगी कोई बात नहीं. उसके बाद ये हो गया ओके बढ़िया है. ये देखिए अब यहां देखिएगा इन ट्राइंगल टी क्यू एस एंड इन ट्राइंगल यू क्यू एस. देख लीजिएगा इधर 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 देखिए एंगल टी क्यू
S is equal to angle UQS given, और वैसे भी डबल कट मार्क मारा है मैंने फिगर में। इसके बाद देखिए आपको QS is equal to QS, ये this is, ये कॉमन साइड आपकी हो गई आपका देखो, और एंगल एंगल TSQ is equal to एंगल USQ proved ever। अब हो सकता कि कईयों के पेट में दर्द होता है, तो उस दर्द के निवारण के हेतु वो जो दवाई मैं दे रहा हूं आपका ना दो एंगल PSQ is equal to एंगल RSQ proved ever, ये और साथ में कॉमा करके ये लिख दे क्योंकि यहां स्पेस नहीं था कम था। ये देखो पी आर, देखो पी इसी रूट में है, देखिए आपका मुझे ये वाला एंगल चाहिए था पी एस क्यू इज इक्वल आर, तो मेरी ये ट्रायंगल तो टी टी एंड यू आर ऑन द वे ऑफ दिस पी एस एंड आर एस, तो आपका बनाओगे तो ये आपका प्रूव्ड एवर। इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर आपका नाउ देखो दिस इज द ये फिफ्थ डाल दिया, ये प्रूव्ड एवर भी लिखा है, तो देयर फॉर नाउ देखो ट्राइंगल टी क्यू एस इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल यू क्यू एस बाय एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल कॉन्क्रेंसी। और जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्क्रेट हो गया तो देखो क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस बाई सी पी, तो क्यू टी इज इक्वल टू क्यू यू, या तो ये दो ट्राइंगल से आप कर लीजिए और ये दो से नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके लिए क्या है ये स्टेप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि यहां पर मैंने आप अगर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर ओनली यू आर डूइंग आपका बाय वन सीपीसीडी ओनली यू हैव टू डू दिस, और अगर आप इसको नहीं करते इसको लिखते देन ये वाली आपको फिगर बनानी पड़ेगी, अगर इसके बेस पे ये वाली फिगर बनाई मैंने दोनों बना करके आपको बता दी, बाकी आप अपने मास्टर को पूछ लीजिएगा वो कितना सक्षम है ये सवाल आपको बता देंगे, और कल तो आप पूछिए उस मास्टर को क्या कहता है सर ये सवाल ले जाइए, सर ये सवाल जरा नहीं आ रहा सर ये इसको लिखो और दो, उसके बाद आपको डांटता है या मारता है फिर बताओ मुझे, कल तो वो बच गया है अब नहीं बचेगा अगली बार नहीं बचेगा, तो कल पूछो उसको जाकर के, और इसको फिर YouTube चैनल में भी देखिए आप जी, कोई बात नहीं क्यों यू लिखो आप, थैंक यू वेरी मच सर, यही लिखो यही बोल रहा था मैं, मैंने गलत लिख दिया उसके लिए मैं कमेंट भी करता हूं, आपके यहां हो गया है कंप्लीट, आपके यहां तो हो गया, आपके यहां हो गया है हीरोज तो हमने खत्म कर दिया, उन्होंने स्टार्ट किया, फिर भी आप हीरो जब आपको बेहतर आएगा क्योंकि हमने पढ़ा दिया है, ये वाला सवाल कल आप जरा पूछिए अपने एलडी जोशी को, और नहीं बताता है कोई मखौलबाजी करता है फिर मुझे बताइए जी, आपके करा रहे हैं तो कल आप भी करा रहे हैं तो कराइएगा कहना, नहीं तो करा रहे रहे, अगर मैं पहुंच गया तो कराएंगे, कराने में और कराने में बहुत अंतर है जी, आपके यहां टीचर नहीं है मुझे ले जाओ कल जाकर के अपने स्कूल टीचर को कल प्रिंसिपल को बोल दो रावत सर को बुला लीजिए क्या कहा, तो बोलो सर रावत सर को बुला लोगे ना वो पढ़ाएंगे, अरे सर मैं आपको आगरा की बात कर रहा हूँ आप घाघरा में मत जाइए ना, कहना रावत सर को बुला लीजिए फ्री में पढ़ाएंगे क्या ना, फ्री में डिलीवरी तो है कोरोना चल रहा है, कोरोना 2 साल से चल रहा है हमारी वैसे वाट लगाई फिर भी मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, बोलो अपने प्रिंसिपल को, वो पूछेगा पहले तो आड़ू बेड़ू गेंगारू कौन रावत सर के ना सीडलिंग वाले जो तुम्हारे दामाद भी लगते हैं ना दूर से नैनवाल को, और साथ में नहीं तो जेपी सर को कहेगा रावत सर जिनको आपने पढ़ाया सर एमसीए में, तो मेरे तो परम गुरुजी आदरणीय है तो मैं तो उनके अगर जूते के ऊपर भी मुझे सर रखना पड़ जाए तो डेफिनेटली आई विल कीप माय हेड ओवर हिज फुट और शू,
इतनी हम रिगार्ड तो करते ही करते हैं अपने टीचर्स के।